हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी गार्डनर दोस्त सुनीता। आप देख रहे हैं मेरा गार्डनिंग चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा सब्जेक्ट है सेंसिवेरिया। ये ड्वार्फ वैरायटी वाला सेंसिवेरिया है। इसे मैं आज रिपोर्ट करने जा रही थी, रिपोर्ट क्यों डिवाइड करने जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो बना लेती हूँ। इसे सेंसिवेरिया ट्रिप्सिसाटा इन कंटूर भी कहते हैं, क्योंकि छोटा साइज का है। तो मेरे पास बड़ा वाला भी है, पर वो मेरे नीचे लगा हुआ है। वो ग्रीन वाला जो होता है ना, उसके चारों तरफ येलो शेड होता है, वो ये भी शेड की वजह से ही इसे स्नैक प्लांट भी कहते हैं। इसमें जो चित्तीदार धारियाँ होती हैं, इसकी वजह से इसे सेंसिवेरिया भी कहते हैं, स्नैक प्लांट भी कहते हैं। आप मेरी मिट्टी देख रहे हो कितनी पोरस है, एकदम से बालू मिट्टी है। इसमें मुश्किल से 20% गार्डन सॉइल मैंने मिलाई होगी इसमें, और सारी मेरी रेत ही है, बालू मिट्टी और कंपोस्ट काओ डंक, फुल्ली डिकम्पोस्ट है ये। वो मैं इसमें लगा रही हूँ, उससे डिवाइड करूँगी। ये छोटा सा प्लांट लेके आई थी जरा सा आंटी से, मैंने कहा था दे दो, तो उन्होंने दे दिया था। अब इसमें कुछ तो मैंने निकाल के नीचे लगा दिए थे, और एक मैंने थर्माकोल के जो पर्पल हार्ट वाला प्लांट है उसके साथ में लगा दिया था। तो ये देखो कितने ढेर सारे हो गए। ये इसके पप्स निकलते रहते हैं, इनसे आप डिवाइड कर सकते हो, इसकी लीफ से भी बना सकते हो प्लांट। इसकी अगर लीफ लगा दोगे तो उसमें रूट्स आ जाएंगे अच्छे से। देखो एक प्लांट ये हो गया और एक प्लांट ये हो गया, है ना। मेरे पास चाकू नहीं है, चाकू लेके नहीं आई थी, मैं ऐसे ही हाथ से तोड़ रही हूँ। आप चाहो तो चाकू से भी कट कर सकते हो। एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है। मैं ऊपर छत पे आई थी, अचानक से ही मैंने सोचा चलो आज वीडियो बना लूँ। इसे रिपोर्ट कर रही हूँ तो मैं इसे ज़्यादा नहीं कट करूँगी, बस दो छोड़ दे रही हूँ, इसमें लगा दे रही हूँ, और ये दोनों उसी थर्मोकोल में लगा दूँगी। मेरे पास तीन प्लांट हो गए हैं, है ना। ये बिल्कुल मेरी बालू मिट्टी है, पोरस मिट्टी बालू और कंपोस्ट। ज़्यादा इसमें मिट्टी मिलाएंगे तो इसमें पानी ज़्यादा पड़ेगा, वो पानी को होल्ड करेगी। कोकोपीट मैं मिलाती नहीं हूँ, क्योंकि कोकोपीट मिट्टी को होल्ड करेगी। वैसे बारिश के दिन है तो इसकी रूट्स वो गल जाएंगी, सड़ जाएंगी। तो ये बहुत, वैसे तो बहुत हार्डी प्लांट है ये। इसे सूखा, जैसे कम पानी पसंद है, शेड में रहने वाला प्लांट है तो इसे पानी भी कम पसंद है। आपको इसमें ढेर सारा पानी डालते रहे, वैसे नहीं। इसमें ऐसी मिट्टी हो, पानी डालो और निकल जाए, होल्ड करने वाली मिट्टी ना हो ना। ये एयर प्योरीफायर है, बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर है, इसे तो ज़रूर लगाने चाहिए। इसे छोटे छोटे सुंदर से प्लांटर में लगा के अपने बेडरूम में भी लगा दो। ये रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एडजस्ट कर लेता है, ऑक्सीजन ही छोड़ता है। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है एयर प्योरीफायर के हिसाब से भी, बहुत हार्डी प्लांट है। मेरा तो छत पे ही पड़ा हुआ है, बस ये उसकी शेड में रहता है। देखो ये इसकी शेड में रहता है, बड़ा वाला जो मेरे प्लांटर है, इसमें भिंडी और गेंदा वगैरह लगाया, तो इसकी शेड में रहता है ये। तो ये सारे शेडी प्लांटर हैं, जितने भी हैं मेरे शेडी प्लांटर हैं। तो ये आराम से इसमें कटिंग वगैरह भी लगा देती हूँ, कि धूप आती तो है पर बहुत हल्की हल्की छन छन के धूप आती है समय से। ऐसा नहीं है कि धूप लगती नहीं है, लगती है पर बहुत छन के आती है, क्योंकि ढेर सारे प्लांट्स इकट्ठे लगा रखे हैं। ऊपर से बड़े बड़े प्लांट हैं, सुबह सुबह की धूप हल्की हल्की मिलती है तो उसमें भी थोड़ी सी छन के आती है इधर से, तो ये अच्छे से चल जाते हैं। इसमें केवल बालू मिट्टी ज़्यादा इसमें पड़ी हुई है, इस मेरे प्लांटर में। तो इसमें देखो ये भी अच्छे से चल रहे हैं, पर्पल हार्ट। ये तो काफ़ी बड़ा हो गया पर्पल हार्ट भी, ये इसी में मैंने लगा रखा था। इसमें बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। देखो आप पर्पल हार्ट कितना बड़ा, कितनी ब्रांचेस इसकी फैल गई चारों तरफ, है चारों तरफ खूब बड़ी बड़ी हो गई ब्रांचेस, अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो इसमें मैं कटिंग वगैरह भी लगा देती हूँ, गुलदाउदी की कटिंग भी मैंने इसमें ही लगा थी, इसमें कई एक लगाई है। और ये पर्पल हार्ट भी लगाया है, सदाबहार की कटिंग भी कई एक लगा दी है। ये सदाबहार की में तो बर्ड्स भी आ गई है, फ्लावरिंग भी हो गई है, तो अच्छे से चल गई है। थोड़े सा और बड़ा हो जाए तो मैं ट्रांसप्लांट कर दूँगी इससे भी, क्योंकि बालू मिट्टी है तो सदाबहार की कटिंग है, जितनी भी कटिंग हो अक्सर मैं इसमें लगा देती हूँ। और भी प्लांटर्स में लगा दी हैं, मगर इसमें भी लगा देती हूँ, क्योंकि शेडी एरिया रहता है, हल्की हल्की धूप मिलती रहती है। और मिट्टी देख लो आप, मेरी सारी बिल्कुल एकदम भुरभुरी पोरस सी सॉफ्ट सी मिट्टी रहती है, ऐसा नहीं कि हाँ बहुत टाइट मिट्टी हो।
मैं तो हाथों से ही काम चला लेती हूँ, खुरपी भी बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत पोरस मिट्टी होती है, हाथ से उंगलियाँ चलाओ तो वो आराम से हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, चलते चलते मैं आपको ये दिखा दूँ, देखो कितनी ब्रांचेज है इसमें, कितने फूल खिल रहे हैं, मुझे तो बहुत सुंदर लगता है। इस पर आँखें रुकी जाती हैं, नज़र टिक जाती है इस पर। इसमें 25-30 ब्रांचेस होंगी इसमें, देखो है, इसे स्पेस ज़्यादा मिल गया तो ये खूब ही अच्छे से चल रहा है। और इसमें मिट्टी है और पत्ते ज़्यादा हैं इसमें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।